बंस रोड आ चुके हम लोग और ये दिखाऊंगी, ये देखें। और आप लोग आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिन का आगाज हो चुका और एक नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, व्लॉग स्टार्ट इस तरह हुआ है कि दिन भर के रूटीन के काम हो रहे थे, बच्चे यहाँ पर जो हैं वो पढ़ने लगे हुए हैं, हम बाहर आए हैं तो यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं। ये मैंने कपड़े निकाले हुए हैं, ये कपड़े निकाले हुए हैं और मैंने इनसे कहा कि इसको सीधा कर करके डाल दो। और मैंने जो है कपड़े धोने शुरू किए हुए थे, यहाँ पर भी मैंने कपड़े धोने थे और ये जनाब वॉशरूम में जा चुके हैं क्योंकि नहाने गए हैं। ऑफिस से कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं और आज बिलाल बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। 12:30 बज चुके हैं और इनको ऑफिस से कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। पता नहीं क्यों आज ये लेट हो गए हैं। तो कहते पहले मुझे वॉशरूम में नहा लेने दो, फिर उसके बाद बाकी के कपड़े धोना। तो मैं साथ साथ व्लॉग स्टार्ट करके सारे काम साथ साथ ही फारिग कर देती हूँ, साथ ही व्लॉग बनाते, साथ ही काम करते, साथ ही कपड़े धोते, साथ ही बर्तन धोते। तो आप लोग साथ साथ ही लाइक कर दें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है, लाजमी कर दें, वरना मैं डांट के बोलूँगी आप लोगों को। नहीं, मैं आप लोगों को नहीं डांट रही, बस मैं आप लोगों को याद करा रही हूँ, लाइक कर दें। लिखा हुआ है तालाब में रहने वाली बतख कैसी थी? तालाब में रहने वाली बतख कैसी थी? ओ वाइट कलर। वाइट तो नहीं लिखते उर्दू में? ओ उर्दू में वाइट को क्या कहते हैं? ओ अंग्रेजों के बच्चों, उर्दू को वाइट को क्या कहते हैं? ओ वाइट। वाइट को उर्दू में क्या कहते हैं? नारंगी। नारंगी नहीं, वाइट को क्या कहते हैं? सफेद। हाँ जी, तालाब में रहने वाली बतख सफेद थी, वाइट। मेरे को उर्दू नहीं आती। इधर आप रेडी शेडी होके जा रहे हैं, आज लेट कैसे हो गए? बहुत ज्यादा लेट हो गए। हुआ कैसे, किसने लेट किया? हो गया लेट, अल्लाह हाफिज। बताओ ना, मेरी अपनी देरी है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कुछ ज्यादा ही जल्दी मिले। खैर, मैं सारे काम से फारिग होकर फिर मिलूंगी आपको। अभी अभी मैंने वीडियो एडिट की और वीडियो एडिट करने के बाद ये है कि अभी मुझे कॉल आई कि अमरीन भी अम्मी की तरफ आई हुई है और मेरी छोटी सिस्टर यास्मीन भी आई हुई है, हुरैरा की मम्मा हुरैरा। तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ और साथ साथ अभी मेरा दिल किया थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का टच पे ना मेकअप करने का। तो साथ साथ मेकअप करते हैं, साथ साथ बातें शातें करते हैं। और आज पता नहीं क्यों मेरा फेस इतना सूजा हुआ है, आंखें देखिए मेरी, मुँह पूरा अलग है। इतना काम करके बैठी पर अभी ऐसा लग रहा है कि मैं अभी सोकर उठी हूँ। और साथ साथ हाँ लगा रहे हैं हल्की सी लिपस्टिक, क्यों होंठ ऐसे फीके रूखे ना लगे। अच्छा, जब सब आती है ना तो फिर थोड़ा सा तैयार होकर जाने को दिल करता है कि पता है ना, यू नो, थोड़ा व्लॉगर हूँ ना, थोड़ा तैयार होकर जाऊँ। तैयार हो चुकी हूँ और इसको कहते हैं हल्की आंच पे तैयार होना, कुछ ज़्यादा ही हल्की आंच पे। जब गैस नहीं आ रही होती ना तो कहते ना हल्की आंच, वो वाला हिसाब हो गया। तो बस मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ और मिलती हूँ वहाँ जाकर। वो मैं अम्मी के घर आ चुकी हूँ और यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। यहाँ पर ये सारे बैठे हुए हैं, मुस्तफ़ा और हुरैरा एक जैसी गाड़ियों से कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अबू का हमेशा चाय के टाइम पे मैं आती हूँ और चाय के टाइम ही व्लॉग शुरू होता है। अबू का हमेशा चाय चाय। फर्नीचर किस लकड़ी का है? ये कह रही थी मैंने फर्नीचर बनवाया अखरोट की लकड़ी का। अच्छा, अखरोट, अखरोट की लकड़ी का। हाँ। मैंने कहा मैंने हर ड्राई फ्रूट का बनवाया है, किशमिश का भी है, बादाम का भी है। आप बताओ, अबू का फर्नीचर ज्यादा महंगा है क्योंकि टोटल ड्राई फ्रूट उसमें है तुम्हारे। अच्छा, अंदर वाला बेड बादाम का। अच्छा, ऊपर वाला बेड चाइबोसे का, ये किशमिश का। मैंने हर ड्राई फ्रूट का जो है ना इसको बता दिया। अब पता चला, आप जाके यासर को बोलना अखरोट का नहीं, मेरे हब्बू की तरह सारे ड्राई फ्रूट होने चाहिए फर्नीचर में। और वो तो मैं भूल भी गया, वो क्या कहते हैं, काजू का भी है। काजू का भी है। पता चले वो खजू, पता चले मुझे वीकनेस होने लग जाए और मैं अब्बू का फर्नीचर खाना शुरू कर दूंगी, काजू बादाम पिस्तों वाला है। बहुत दिमाग तेज होगा और ग्लो भी बहुत अच्छी बने। हाँ, ब्लॉग अच्छी बताइए। झूला कहते हैं छुआरों का बादाम। तुमने बात किससे की? तुम्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। अब्बू से बात नहीं थी कि मैं यास्मीन से बताई थी कि ये बेड जो इस लकड़ी का बना हुआ है बहुत मजबूत है। अच्छा, अखरोट की लकड़ी का। मैं भी मानी से बात कर रहा था, किसी से नहीं कर रहा। मैंने भी मानी से बात की। अब बोलो। मुझे बोल दे रही थी छोड़ो। का प्रोग्राम बना है बाजार जाने का, क्या लेना है ये तो हमें खुद नहीं पता। बस ये ऐसे ही जा रहे हैं, पैदल चल के जाना है, पैदल चल के आना है। और क्या लेते हैं क्या नहीं लेते ये तो वहाँ जाके पता चलेगा। बाजार को सलाम करने जा। हाँ, हम मजार है, ये बाजार शॉपिंग, बाजार विंडो शॉपिंग नहीं, कुछ ना कुछ तो लेने हो ही जाएगा। और हम नहीं कहीं जा रहे भाई,
हम नहीं जा रहे। A few moments later. तो हम मान गए कि अरे मम्मा चले जाओ, बड़ी मुश्किल से है ना। बाय मम्मा। बाय। जी तो चलते चलते हम पहुंच चुके हैं बाजार की साइड और देखते हैं क्या लेते हैं। ये कहाँ ऊपर जाने, नीचे ऊपर चलते हैं पहले। ऊपर चलते गर्म बाजार, गर्म कितना है। नीचे से ऊपर तक पूरा बाजार एक्सप्लोर कर लिया और अमरीन वहाँ गई और मैं घुस गई हूँ कि मुझसे मज़ीद ऊपर नहीं जाया जा रहा। और अमरीन अपनी शॉप ढूंढते हुए, इन्हें शॉप नहीं मिल रही। मिली शॉप नहीं है या नहीं, चलो फिर नीचे चलो। फाइनली एक शॉप से हमें थोड़ी सी चीज़ मिल चुकी है, वो भी अमरीन ने ली है। मैचिंग लेने हुई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं शॉप पे। ये पीछे वाले देखो मैचिंग कितनी है। वैसे मैं यहाँ आती हूँ, मैंने कम ही कुछ लिया है, मैचिंग के लिए आते हैं ज़्यादातर। मैं जो ना चक्कर वॉक करने ही आती हूँ यहाँ तक, है ना। ये मैचिंग हो गई, पाइपिंग लेस। यहाँ से कपड़े देख रहे थे बच्चों के और ये वाला ट्राउज़र इतना प्यारा लग गया मुझे, अच्छा लग रहा है ना जी। तो दो शर्ट्स पसंद आई है, एक ये वाली और एक ये वाली। एक इब्राहिम के लिए ये पैक कर दें और ये भी अहमद के लिए ब्रांड के। दोनों की वाइट वेट हो गई है ना। अब क्या रह गया, अपने लिए कुछ लिए नहीं, बच्चों के लिए जा रहे। मतलब ये एक और इसमें नहीं होगा, ये वाले अमरीन अबू बकर के ले लिए और ये ऐसा एक और नहीं मिला क्योंकि ये चंद पीसीज ही हैं, है ना। और नहीं है यहाँ लगे हुए, तो वो भी हमने बड़ी मुश्किल से चूज़ किए हैं, लाल पीले नीलों में। ये वाली बहुत प्यारी लग, ये भी अच्छी लग रही है। अमरीन कह रही है अबू बकर पहनता नहीं ऐसी, और मुझे पसंद आ रही है। अरे ये ले जाऊँ फिर वो पहनेगा नहीं, मुझे पता नहीं क्यों बच्चे नखरे करते हैं, बच्चे बहुत तंग करते हैं भाई। जो कपड़ा पसंद है वो पसंद आता है, जो नहीं आता वो बिल्कुल भी नहीं पहनता। ये अहमद की है, ये इब्राहिम की है और ये अबू बकर की है। रेड कलर निकल गया तो ये एक ही दफ़ा में ख़राब। पर चलो अमरीन एक दफ़ा ही पहन लो, कीमत पूरी ऐसे ही है क्योंकि हमने कोई शॉप से ली है तो शॉप का यही होता है कि ख़राब ना हो जाए। वो फूलों वाली थी, मैंने अमरीन कहती है कि अबू बकर वो नहीं पहनता। एक शर्ट हम दुकान में भूल गए हैं तो बस मैं वो लेने जा रही हूँ और भाई के साथ जा रही हूँ। भाई ने बाइक निकाली है, कहाँ गई अमरीन अंदर चली गई और अभी मैं इसके साथ जा रही हूँ। तो पता है क्या, घर जाके हमने शॉपर जब सारे देखे तो पता चला कि शर्ट भूल गए। चलो थैंक यू, चलो घर चलो। तेज़ी तेज़ी में आई हूँ और तेज़ी तेज़ी में जा रही हूँ, शॉपर मिल गया। उसने सामने ही रखी हुई थी, देख के हंस रहा, कह रहे आप भूल गए थे यहाँ पर। लोग ने सामने सजा के रखी हुई थी कि भाजी आप भूल गए थे, मैंने तो सामने रखी थी। फटाफट ऊपर आ गया कैमरा में, अमित रुक जाओ और नौ सास रुक जाओ। सास बहू की लड़ाई, ये तीनों शादी पे डिस्कशन कर रहे हैं। मसला ये था कि सुभान वो रहा, मेरी शादी नहीं हो रही, मम्मा करा नहीं रही। हाँ। तो मैंने बोला मैंने जब करवानी थी ना, मैंने दीवारों को बात सुनो, दीवारों को हाँ भाई मामू की बात मुझे ही पता है। ये आते थे बर्तन फेंकते थे, नानो कहती थी पता नहीं अबू ने बोला ए व्याह मांगता है, ऐसा व्याह कर चढ़िया। और अब ये पट्टी इसने तुम्हें पढ़ा दी है, बर्तन फिर अपने पैसों के खरीद के ला, महंगाई हो गई है। मम्मा मेरी राजी है, मैं खुद नहीं करता, पूछ लो, बस कर दो, पूछ लो। नहीं मेरा बेटे ने पढ़ना है, वो कहता मैं पहले पढ़ूंगा फिर कर। हाँ तो तुम भी पढ़ा भी नहीं करना चाह रहे क्या, शादी नहीं करना चाह रहे। नहीं कब, कितने साल बाद करने। ये मंसूबा बहुत लंबा चलेगा, अभी हमारा घर बनेगा, फिर पता नहीं क्या क्या होगा, बहुत लंबे प्रोजेक्ट चलेंगे। ओ भाई हमें, और तुम बताओ तुम्हारा क्या मतलब। मेरा प्रोग्राम यही है, सब कुछ बेचे हम पीछे चले जाएं वापस। पीछे मतलब पिंड में, पिंड अपने में चले जाएं। और लोग स्पेन जा रहे हैं, लोग जापान जा रहे हैं, तुम हम पीछे जाएंगे अल्लाह के फजल करम से, वहीं पे हम पता ही नहीं उसको पता है। हाँ फिर आगे, मैं तो सबको भेजने के चक्करों में लगा हूँ, अकेला कराची रहूंगा। हो गया अब मैं घर जाऊँ, बिलाल आ गए। बिलाल आ गए, एक बात ही बता दो, हम पक्के कराची के हैं, तुम किसी को पंजाब नहीं भेज सकते। हम कराची वाले हैं, कराची, हम कराची वाले, हम कराची में रहेंगे बच्ची जी। हर दो मिनट बाद बोलता है, फिर बोलता है नहीं ये नहीं बोलना, फिर दो मिनट बोलता अब ये भी नहीं बोलना, बोलना क्या है फिर मुझे बता दो। अच्छा ये सारा मतलब कि अबू की शादी पंजाब में हुई, ताया अबू की शादी पंजाब में हुई, दादा अबू की शादी पंजाब में, फिर आगे से सदा भाई की शादी पंजाब में हुई, तो अब ये रस्म हमने तोड़नी है, हम कराची से लाएंगे। नहीं कराची मराची से नहीं लानी, पोलैंड से ही लाएंगे। बांग्लादेश वाह वाह वाह, वो स्पेन से ले आते हैं, यूनान से ले आते हैं, कीनिया पूरा ऐसा करते हैं, मैप रखते हैं यहाँ पर, फिर चॉइस करते घुमाते हैं, जहाँ पे उंगली रुकी वहाँ से ले आएंगे। ब्राजील, 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 जनूबी अफ्रीका,
दो लाएंगे घूमने जाना के पूरी लानी अभी मैं घर जा रही हूँ लाओ दो मेरे शॉप अस्सलाम वालेकुम ठीक ठाक आप सुने कुछ नहीं अम्मी के घर में सारे आए हुए थे बातें बातें छिड़ी हुई थी काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा था उस्मान की शादी का जिक्र छिड़ा हुआ पैदल बाजार गई बाजार से पैदल चल कर आई फिर हम शर्ट भूल गए दुकान पर कपड़े भी धोए थे काम काज किया है और अब पकाने का भी कुछ नहीं समझ आ रही ओ ज़रा फोकस करूँ आपको ये क्योंकि अगर आप मुझे बाहर ले जाएंगे ना तो मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करूँगी रेडी हो चुकी हूँ और हमारा प्लान बना है बाहर खाना खाने का वो प्लान कहाँ का है वो तो जाते हुए ही हम आपको बताएंगे या जाकर पहुँच कर बताएंगे तो माशाल्लाह बच्चे रेडी हो चुके हैं ये और ये जो अभी शर्ट्स लाए थे इन्होंने फौरन से पहन ली और ये कूटू बेबी भी उतार होकर बैठ गए एक बात बोलूँ माशाल्लाह शर्टें अच्छी लगी इन पर और फुल साइज की आई है ना एरिया के भी हम चलते हैं आप लोग साथ रहें व्लॉग को लाइक कर दें बिलाल और बच्चे नीचे जा चुके हैं और मैं ना अभी व्लॉग बनाने लगी मैं ना अपना लाइनर देख रही थी तो आजकल ऐसा लाइनर चल रहा है मैंने कहा चले कोई बात नहीं जो चीज़ चल रही होती है वो ट्राई करनी चाहिए अच्छी लगे या ना लगे बस ट्राई करनी चाहिए मैंने भी कश्तियाँ बना ली हैं ऐसे वाली खैर मुझे तो अच्छी लगी हैं आप लोगों को नहीं लगी तो कुछ नहीं कह सकते पंच रोड आ चुके हम लोग और आगे आ गए ना लड़ रहा हूँ वो रहे बिलाल नजर आए ये रहे और हम चल चल के आ चुके हैं कुछ ऐसी सूरत हाल है और रश बहुत ज़्यादा है सैटरडे है तो रश भी ज़्यादा है आवाज़ भी नहीं आ रही होगी आपको मेरी हाँ जी कितना ज़्यादा रश है चलो ऊपर पता चले सीट ही खाली ना हो हम लोग आके बैठ चुके हैं और रश इतना ज़्यादा है और सर पर ही ये वाला पंखा जिसकी शोर बहुत ज़्यादा होगा और ये आ चुका है मेन्यू इधर डीले भी बहुत ज़्यादा डीले मतलब डीले उर्दू लहजा डीले होता है डीले ये भी डील्स हैं और ये जो है वो मेन्यू इनका और मैं आप लोगों को दिखा रही खाने का ऑर्डर दे दिया है अभी थोड़ी देर टाइम लगेगा खाना बन के आने में और बिलाल जा चुके हैं पैसे लेने और यहाँ इतना शोर है मुझे समझ नहीं आ रही कि पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं और जिस तरह के पंखा है ना वो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे सैटरडे टाइम गुजरते ही नहीं जब संडे आते ऐसे टाइम गुजरते हैं कि पता नहीं चलता वाकई संडे कैसे गुजर जाता है एक मिनट एक सेकंड लगता है ना एक घंटा आधा मिनट आपका भी संडे ऐसे ही गुजरता है और सच में आँख खुलती है संडे खत्म सुबह मंडे है बच्चों ने स्कूल जाना है ये क्या बात है नींद आ रही है जी तो हमारा खाना आ चुका है और डिलीशियस लुक यम्मी सबसे पहले तो मैं जो हमेशा की तरह करती हूँ ना वो ऐसे करके यूं करके दिखाऊंगी ये देखें और आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें प्लेटर क्यों पसंद है क्योंकि ऑप्शनली इसमें टिक्का भी है हर तरह की कबाब और बोटियाँ वगैरह भी हैं और इसमें चावल भी है और साथ आप ऑप्शनली पराठे भी मंगा सकते हो फुल एंड पैकेज हो जाता है ना कि आपको एक ही चीज़ में सब चीज़ें मिल जाती हैं तो लेट्स स्टार्ट और टूट के पढ़ के खा के ख़त्म करके घर जाएँ क्योंकि पीछे हमारे मच्छी मैनी बना हुआ है शोर है मेरा पानी आ रहा है मम्मा स्नैपचैट इंस्टाग्राम सब चीज़ों तो फारिग नहीं हो पा रही और मुझ वगैरह मेरे मुँह में पानी आता जा रहा है अब ये देखिए आहिस्ता नोज मास्क पहले हम साइड पे करेंगे और नीचे से निकालने वाले हम यहाँ से चावल और क्या हो गया सबर तहम्मुल ये देखें जी सारी ऊपर की चीज़ें अच्छा पहले बहुत ज़्यादा सलाद था सलाद महंगा हो गया प्याज टमाटर लहसुन अदरक बड़ा रज के देते थे ये लोग अब इन्होंने ऐसा शॉर्ट कर दिया ये वाली जो मिर्ची है ना ये बहुत मज़े की लगती है टमाटर इतने मज़े के लगते हैं चलें ये आप साफ करें ये देख रहे हैं ये पुलाव जो है ना बीफ का बना होता है ये हड्डियाँ बीच में बीफ की हैं अच्छा हमने साथ में पराठा जो अलग से ऑर्डर दिया है और यहाँ पर अभी इन्होंने रायता दे दिया बड़ा चटपटा सा है ना तो जी यार आप छोड़ो ना मैं इसी में खा लेती हूँ इसी में हमेशा की तरह आज भी आला है और यकीन जाने इनके टेस्ट में और इनकी क्वांटिटी में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है क्या आप ये देखें कि हमारी पूरी फैमिली आराम से खा लेगी और ये बच भी जाएगा अरे बोल सकते हैं ना बचे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है मैंने खाना खा लिया और मुस्कान ने खा लिया और भैया ने अभी तक मम्मा बाबा खा रहे क्या करें बेटा खत्म भी तो करना है इधर देखो इधर नीचे ये सब हमने ही तो खत्म करना है यहाँ देखो वहाँ देखो सारा ये सब हमने खत्म करना है अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया है और अब मैं जा रही हूँ हाथ धोने आप कहाँ जा रहे हो हाथ धोने हैंड वॉश करने यहाँ पे कौन है ओह माय गॉड सर लग रहा है छत इतनी छोटी है
और शीशे में मैं भी दिख नहीं रही। और ये देखो ये ऐसे करके पैसा आपको है ना ऐसे उड़ता है ना पैसा। अल्हम्दुलिल्लाह। नींद आ रही है? नींद उड़ गई है। अब मुझे लग रहा है इसने बाइक पे और यहाँ पे नींद पूरी कर ली है और राज ने जगाई। तो हम जा रहे हैं घर को, राज इतना ज़्यादा रश है। और ये देखो यहाँ पे बिल्ली बैठी हुई है, मुझको माऊ बिल्ली वो इंतज़ार में लेटी हुई है पूरी टांगे खोल के। मैं भी घर पर आई हूँ और बहुत ज़्यादा थक गए थे तो सोचा व्लॉग एंड कर लूँ क्योंकि 12:05 और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा। मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। बट आप लोग इतना कर दें लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मस्ट है कर दें जरूर। बाय।